नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। लोजपा से मुंगेर की सांसद वीणा देवी आज एक बार फिर से मीडिया के सामने आई। वीणा देवी ने पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और उस पे जो मारे गए आतंकियों के आंकड़े को लेकर देश में घमासान मचा है, इस पे वीणा देवी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हमारा जो देश है उसका यही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अभी देखिए आतंकवाद पर हुआ, क्या कहता है 46 गो को मार दिया, यहाँ 400। हमारे जो विरोधी है रोज कहते हैं कि इतना गिनती करो, उनको शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है कि वो कहते हैं कि जो तुम इतना करो। उनको अभी साथ देना चाहिए, जो हमारा विरोधी है क्या कहता है कि पाकिस्तान में, उनका भी मौका मिल गया, उनको आप बोलने का मौका दे रहे हैं, तो ऐसा ही एक काम नहीं करना चाहिए। और हम लोग सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, जितना युवा है सब प्रधानमंत्री के साथ है। अगर वक्त पड़ेगा तो हम लोग रिमोट बन के क्या कहता है अथी बन के जा कर के पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान क्या कहता है हिंदुस्तान में इतना बल है, जितने उनके यहाँ दाढ़ी वाला होगा उससे कई दाढ़ी वाला हमारे मंदिर में ब्राह्मण और पंडित हैं। और हमारे देश का देखिए ऐसा संस्कार है कि सब जगह जाइए देखिए टीका चैनल कर रहते हैं। हमारे यहाँ दोनों चीज़ होगा, अल्लाह अकबर भी होगा और जय श्री राम भी होगा, दोनों चीज़ हमारे देश में हिंदुस्तान में होगा। और हम लोग सब एकता हैं और एक रहेंगे, चाहेंगे तो बॉर्डर से लेकर के पूरा पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। देखा आपने, वीणा देवी साफ साफ कह रही हैं कि अगर पाकिस्तानी अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे तो उनके यहाँ जितने मौलवी दाढ़ी वाले नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे मंदिरों में चंदन टीका लगाने वाले पंडित हैं। वीणा देवी का ये रुख साफ साफ दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव में फायदे उठाने के लिए अब वो भी मोदी सरकार का गुणगान करना शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजतिलक के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस बिहार।